दोस्तों बीते लगभग एक दशक से पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर कुछ भी ठीक नहीं रहा है। देश के अंदर बिगड़ते हालात के चलते कई सालों तक तो पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बंद ही रहा है। हालांकि अब कुछ सालों से हालात में सुधार आया, जिसके बाद श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने बेहद ही करीब के ही पड़ोसी देश अफगानिस्तान की टीम के साथ पाकिस्तान ने आज तक एक भी सीरीज नहीं खेली है। मगर दोस्तों अब एक लंबे वक्त के बाद संभावना कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संभावित द्वितीय सीरीज के पूरे कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहरहाल काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखते रहे। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी आपको बैक टू बैक अपडेट्स मिलते रहते हैं। दोस्तों सभी पेजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीरीज के बारे में। तो दोस्तों खबरें कि अगस्त सितंबर के महीने में यूएई में अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज की मेजबानी करना चाहता है। गौरतलब है कि अभी तक दोनों टीमों के बीच द्वितीय सीरीज नहीं खेली गई है। दोस्तों दोनों ही टीमें केवल मल्टीनेशन टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ खेल पाती हैं। लेकिन दूसरे नजरिए से बात करें तो अफगानिस्तान की जूनियर टीम कई बार पाकिस्तान खेलने जा चुकी है। दोस्तों दोनों देशों की सीनियर टीमों के बीच जिस संभावित सीरीज की बात की जा रही है वो अबू धाबी या दुबई में खेली जा सकती है। दोस्तों इस सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने वाले हैं। दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने इस पूरे मसले को लेकर कहा कि दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्टूबर में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप से पहले यह सीरीज खेलना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व विश्व चैंपियन कप्तान इमरान खान ने भी जनवरी में पीसीबी को अफगानिस्तान के साथ द्वितीय सीरीज के लिए इंतजाम करने को कहा था। उन्होंने मोहम्मद नबी के साथ ही कई सीनियर अफगानी खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह निर्देश दिए थे। तो दोस्तों इसके बाद अब दोनों दक्षिण एशियाई टीमों के बीच पहली बार द्वितीय सीरीज होने की संभावना जोर पकड़ रही है। हालांकि दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के दूसरे दक्षिण एशियाई पड़ोसी यानी कि भारत की, तो इन दोनों देशों के बीच बीते 9 सालों में कोई द्वितीय सीरीज नहीं खेली गई है। खैर दोस्तों अभी ये कहना भी मुश्किल है कि इन दोनों देशों के बीच हालात कब बेहतर होंगे और कब एक बार फिर इन्हें आपस में क्रिकेट खेलते हुए देखने का मौका क्रिकेट फैंस को मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट न्यूज एंड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।